से इस अवसर पर आप? बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है, आप सब लोगों का सहयोग यहाँ पर, इतनी तादाद में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीत के क्षेत्र के लोग आए हैं, अपनी दुआएं देने, आशीर्वाद देने में बहुत आभारी हूँ। इस फिल्म में आपकी जो भूमिका बहुत ही अच्छी रही, मगर इस फिल्म का हाईपॉइंट आपके हिसाब से क्या है? मैंने फिल्म देखी नहीं है, और यूजुअली क्षमा चाहता हूँ, ना मैं अपनी फिल्म देखता हूँ ना पराई की फिल्म देखता हूँ, बस दुआ दे सकता हूँ, आशीर्वाद कर सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मैं एज अ गेस्ट आई हूँ अनूप जी के रिक्वेस्ट पर। अनूप जी के लिए को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ उनका। ऑल माई बेस्ट विशेज टू हिम, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, और आशा करती हूँ उनकी फिल्म लोग बहुत पसंद करेंगे, संगीत भी बहुत पसंद करेंगे लोग। हमारी फिल्म का म्यूज़िक है बहुत ज़बरदस्त है, इस गाने को सुनिए, एक एक गाने का आनंद लीजिए और उसके बाद फिल्म का मजा लीजिए। भजन सम्राट आपका बहुत नाम है, वो आपके आगे कबाड़ी लग गया है, तो आपसे तो लोग भजन की फिल्म में की उम्मीद करते हैं। हमने गाया है इसमें, गाया है भजन इसमें, हाँ वो छोड़ेंगे थोड़ी, एक भजन इसमें गाया है, बहुत सही जगह वो लगा। इसमें सबसे अच्छा प्रिय गाना कौन सा? सबसे अच्छा मुझे कवाली लगी है, जिसमें ओम पुरी जी और अनु कपूर जी ने बहुत बढ़िया काम किया। टाइटल कबाड़ी सर, क्योंकि स्टोरी कबाड़ी की है, कबाड़ी है उसकी ज़िंदगी की कहानी है, तो उसमें हम अगर इसका नाम कुबेर रख देते तो गड़बड़ हो जाता। अच्छा, फिल्म रिलीज जो हो रही है शाहरुख खान के साथ रिलीज? हाँ, अरे जो वो देखना चाहेंगे वो देखेंगे, जो हमें देखना चाहेंगे हमारी फिल्म देखेंगे, दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे अपनी फैमिली हैं, जैसे कि राइट फ्रॉम अनूप जी टू सीमा जी टू अनु जी, और हमारे खास करके पुरी साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। सबको बेस्ट विशेस हैं जिन्होंने इसमें काम किया है, जो इन्वॉल्व हैं, मेरे अपने परिवार सब लोगों को रिश्वर करें ये मिस्टर कबाड़ी खूब चले, और बस लोगों को हंसा हंसा के कहते हैं ना कि उनकी हालत ख़राब हो जाए। आपका एक गाना प्यार को सुनाई तो बहुत हाई पिच पे था, वो लोग बहुत पसंद करते थे, मगर आज आप पता होगी आज आपके दर्शक जो हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, कैसे प्ले किया? बस जल्दी सुनेंगे, ऐसा नहीं, काम तो आर्टिस्ट कभी ख़त्म नहीं करता है, लेकिन हाँ कुछ हालात ज़रूर आपके बदलते हैं हमेशा। आप मैं बहुत और काम भी कर रही हूँ, प्रोग्राम्स कर रही हूँ, अभी आई हूँ दो चार दिन पहले लंदन से, गज़लों के शोज़ थे, हम लोग गज़ल को प्रमोट कर रहे हैं, एक नया काम कर रहे हैं, और कुछ सोशल वर्क भी कर रही हूँ साथ साथ, तो बहुत सारे काम हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के लिए भी जाती हूँ, जो मैंने PhD की है उसके ऊपर काम कर रही हूँ, बुक लिख रही हूँ, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग। कुछ अलग करना चाहिए, वैसे ही कुछ हटके कर रही हूँ, और बहुत जल्दी गाने भी आप सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, टाइटल को लेकर, टाइटल काफी एक कॉपी टाइप का है, क्या पेचीदा नहीं भाई, एक कबाड़ी की कहानी है, तो इसलिए मिस्टर कबाड़ी अप्रोप्रिएट था, क्योंकि एक कबाड़ी है और गरीब कबाड़ी है, और वो कैसे अमीर बन जाता है, और उस अमीर बनने के बाद, मतलब जब गरीब था तो उसकी समस्या नहीं थी, अमीर बनने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। काफ़ी टैलेंटेड लाइक ऑल द एक्टर्स आर वेरी टैलेंटेड, कैसे ये एक्चुअली डेवलप हुआ, मतलब आपने इस कहानी के बारे में? ये एक्चुअली एक मॉलियर का प्ले था, बूर्जुआ जेंटलमैन, फ्रेंच प्ले था वो, बहुत पहले मैंने पढ़ा हुआ था वो, 20-25 साल पहले वो दिमाग में था, और फिर 2009 के करीब में मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी, और उस स्क्रिप्ट का अब जाके बनी है वो, तो वो एक ऐसे जो प्ले था वो भी ऐसा है कि गरीब आदमी जब अमीर बन जाता है तो वो अमीरों की तरह बिहेव करना चाहता है, उनकी तरह बैठना, उनकी तरह एक्शन, मतलब जो भी है मैनरिज्म और ये सब,
तो वो फ़नी हो जाता है क्योंकि वो आपके आपके अंदर नहीं है, उनको एक्वायर करना पड़ता है, तो वो उसी की कहानी है। और फाइनली इसमें यह है कि भाई जो आप हैं, जो सत्य है, वो ही रहना चाहिए, तभी आप उसमें ज़िंदगी को खुशी से आप कर सकेंगे। काफ़ी उम्दा एक्टर है सभी एक्चुअली जी, डायरेक्ट करना या फिर यू नो इट वाज इजी और हार्ड एक्टर, या फिर वो जैसे उम्दा एक्टर हो तो समझ जाते लेकिन फिर उनको डायरेक्ट करना हाउ द टास्क? एक्चुअली मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है वो सब उम्दा एक्टर हैं। ये उम्दा के साथ साथ नाम वाले भी एक्टर थे। इससे पहले जो फिल्म बनाई थी हार्ट, उसमें भी दिव्या दत्ता थी, यशपाल थे, अर्चना पूरन सिंह थी, मुकेश तिवारी थे, तो सब मजे हुए थिएटर के आर्टिस्ट हैं। और थिएटर का हमको भी बहुत अनुभव है, तो मजे हुए आर्टिस्ट के साथ काम करना मुश्किल नहीं होता है, वो आसान होता है। जो मजा हुआ नहीं है उसके साथ आपको उसको बताना और जो आप डायरेक्टर बताना चाहता है और वो करवाना मुश्किल होता है। मजे हुए आर्टिस्ट को आपको बस एक बार कहना पड़ता है। मजा हुआ आर्टिस्ट वो घोड़ा है जो ज़रा सा चाबुक देख के ना सरपट दौड़ने लगता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें देखा जाता है टॉयलेट ह्यूमर, व्हाट वुड एग्जैक्टली इज लाइक? ना ना ना, इसमें है ना टॉयलेट का ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा जो प्रोटैगनिस्ट, मेरा जो हीरो है, वो चूंकि कबाड़ी का बेटा है, पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो करेगा क्या? वो टॉयलेट, 150 शौचालय चल रहे हैं उसके। और लेकिन बड़े लोगों में वो जब गर्लफ्रेंड से मिलता है या बड़े लोगों में, तो वो लोग बताते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स चलते हैं। तो यहीं से ये ह्यूमर है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपके रेस्टोरेंट में क्या अच्छा डिश है। जी रोमांटिक गाने भी बहुत अच्छे। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं कि मेरी फिल्म है म्यूज़िक, क्योंकि क्या है, मेरी मदर क्लासिकल सिंगर थी और हमारे घर में म्यूज़िक जो है वो खून में बहता है, तो हमें चूज़ करना मुश्किल नहीं होता है। और हमारी जो पसंद है वो, हमारे कान बहुत सुरीले हैं, तो हमारी पसंद वो धाएँ धुएँ नहीं है, बहुत सीरीन और बहुत अच्छा सा म्यूज़िक ही पसंद है। तो मुझे तो बहुत पसंद है और मैं ये इसमें बिलीव करती हूँ कि आपको जो पसंद होता है वही चीज़ आनी चाहिए, लोगों की पसंद से नहीं आनी चाहिए। तो मुझे जो पसंद है वो शायद लोगों को भी पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। मैं इसमें डेब्यूटेंट भी देखा जाता है, फिर नॉर्मली मिल जाता है जी। डेब्यूटेंट के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस बताइए, वो किस तरह करते हैं? नहीं, फॉर्चुनेटली जो नए जो दोनों तीनों हैं लड़का राजबीर और कशिश वोरा, ये दोनों बहुत मेहनती हैं और अच्छे एक्टर हैं, नए हैं लेकिन इनमें पोटेंशियल बहुत है। तो इनके साथ भी इनके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको बताना पड़ा, डायलेक्ट है ये सब है, लेकिन इन्होंने बहुत, चूँकि मेहनती हैं और बेसिकली अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने पिकअप बहुत अच्छी तरह किया है। थैंक यू।